सुबह सुबह ही करती है ना बस, ठंडी गाड़ी में करती है। हाँ 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 बंद हो गई आवाज, वो बेल्ट टाइट करवा दिया, टाइट करवा दिया। हाँ साइलेंट तो हो गई गाड़ी, मैं कह रहा हूँ कैसे साइलेंट हो गए। वैसे भी गाड़ी देख रहे हैं ना, थोड़ा वाइब्रेशन ये सब चीजें साइलेंट ना हो गई गाड़ी, धड़ा 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 होकर। अब सीएनजी पे है कि पेट्रोल पे है? ये सीएनजी पे है। सीएनजी क्या बात है, अब पता ही नहीं पड़ रहा है ऐसे गाड़ी स्टार्ट है ये तो, देखो है कि नहीं। अब धीरे धीरे जैसे वाल जितने जंग हटेंगे ना, जितनी वो होगा जंग हट जाएंगे ना, जितनी चलेगी बार बार टकराएंगे सीटों पे तो वो चिकना होगा, तो परफेक्ट पकड़ बनेगी, तब जाके हमारा कंबर्शन टक टक पावर लगेगा बढ़िया। अभी तो मान के चलो ये नमूना था, अभी 200 किलोमीटर बाद देखना है। मेरे को ये स्क्रीन गार्ड लगाया था ना, स्क्रीन गार्ड तो मेरे बबल बहुत सारे थे, तो मेरे को बोला 3 दिन बाद एक भी नहीं नजर आएंगे। हमने कहा यार ये मेरे को उल्लू बना रहा है। अच्छा राइट, 3 दिन बाद सच में सारे स्क्रीन गार्ड के बबल्स खत्म हो गए। वो अपनी पकड़ कर लेते हैं, पकड़ कर लेता है। आपकी गाड़ी में कब प्रॉब्लम आई थी पिकअप की और स्टार्टिंग की? सुबह के टाइम ही नहीं होता, बाकी का तो गर्म होने के बाद ये ठीक चलता है। काफी टाइम से ये दिक्कत आ रही है, एवरेज नहीं दे रही है। एवरेज नहीं है? हाँ एवरेज। कब से मतलब ये दिक्कत कब से आ रही है? इसको हो गया करीब दो महीने करीब हो गया, और मैंने इसको 5-6 मिस्त्रियों को दिखाया भी है। अच्छा तो 5-6 मिस्त्रियों ने क्या क्या किया है इसमें? किसी ने कहा है कि इसकी क्लच प्लेट डाउन है, किसी ने कहा कि इसके सेंसर में दिक्कत आ गई है। अच्छा सेंसर कौन सा बताया? सेंसर ऊपर हेड के ऊपर आस पास लग के जो सेंसर। अच्छा नहीं क्लच प्लेट तो सर डाउन है, क्लच प्लेट तो मैंने चेक की, क्लच प्लेट तो डाउन है, ये बात तो सही है, लेकिन स्लिप नहीं है। एक होता है स्लिप है क्लच प्लेट तो उसको बदल दिया, लेकिन ये होंडाई की एजेंसी में ही चेक करवाई दी है। होंडाई की एजेंसी में मेरे को क्लच प्लेट ही डाउन बताई है। अच्छा क्लच प्लेट, और क्लच प्लेट के साथ साथ कहने लगे क्लच प्लेट डलाओगे तो बढ़िया हो जाएगी, मगर वो सब बेकार है क्योंकि वहाँ पे कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे। मैंने वो कहीं दिखाया तो मैंने चेक फिट चेक किए भाई साहब, इतना ज़्यादा टाइट है ना, और इधर के तो सारे ही टाइट हैं, ये सब टाइट है भाई साहब। ये देखो ना काम ही नहीं कर रहा, दो तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ये इतना ज्यादा टाइट है कि काम ही नहीं कर रहा। इधर के तो फिर भी ठीक है थोड़ा सा, ये देखो वो इंटेक वाले। हाँ ये वाला ये हर सिलेंडर का, इसका भी टाइट है, इसका भी सब टाइट है। अब मैंने अभी देखे तब जाके समझ में, मैं तो स्पार्क प्लग भी खोला, अभी चेक ही कर रहा हमका पंगा क्या है। तो अंदर में कभी मैंने स्पार्क प्लग भी चेंज करा दिए, और ये कार्बोरेटर की इसकी सफाई करा दी, इंजन ऑयल भी चेक करवा लिया, और एयर फिल्टर वगैरह सारे काम करा दिए। स्पार्क प्लग चेंज करवा दिए? कितनी बार चेंज करवाए हैं? नए स्पार्क, ये तो अभी नए डलवाए, आज आए मेरे पास में भाई। ऐसी ऐसी बात है, ऐसे दिक्कत कर रही है, ये प्लग भी बिल्कुल अंडे की तरह बिल्कुल लेकर निकल रहे हैं, अंदर भी मामला सेट है कि नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है इनका? प्रॉब्लम पहले देखो ठंडी गाड़ी में है, दिक्कत ये है ठंडी गाड़ी में जब भी दिक्कत रहेगा मतलब टाइपिट का इशू है। हाँ। टाइपिट किसी ने नहीं चेक की है? किसी ने चेक नहीं किया, सबने यही बताया क्लच प्लेट इशू और सेंसर। एक ने तो ये बताया था इसकी सीएनजी की वो सर्विस कराओ। कोई बात नहीं, देखो हर आदमी अपने हिसाब से अच्छा है वो करता है। घुमाओ जरा, घुमाओ भाई इंजन को। हम क्या करेंगे 15 और 12 रखेंगे, इधर है 15 देख रहे ना, 15 15 तो इधर हम रखेंगे 15 और उधर रखेंगे 12 या 13 रख लेंगे। तो ये देखो 13 हम दो को लेंगे, 13 और 15 बाकी। हाँ लेकिन चेक करने के लिए 6, 8 और 10 3 मैंने और लिया हुआ। चलो घुमाओ जरा, घुमाओ 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 घुमा दो, फाड़ दो पूरा इंजन। चलो अरे नहीं यार, चलो घुमाओ घुमाओ घुमाओ, चलो 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 चलो, बस हल्का सा और बस 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 रुक जाओ। पहले एक नंबर को चेक करेंगे, पहले इधर वाले में 13 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 15 लगा के चेक करते हैं। 15 फ्री जा रहा है। हाँ है फ्री, 15 फ्री है, और इधर इसमें भी 15 फ्री है, यानी ये गड़बड़ है। फ्री होने से कुछ नहीं होता है, ये आवाज़ भी कर रहे हैं, मेन है इसका, ये कम से कम 15 के आसपास रहना चाहिए। तो 15 लगाता हूँ मैं, ये बिल्कुल जा ही नहीं रहा गेज। 15 को हटाता हूँ मैं, 13 पे लेता हूँ, 13 भी नहीं जा रहा है, ये देखो 13 भी जा ही नहीं रहा है। अब लेता हूँ मैं 10, देखता हूँ मैं कितना डाउन है। 13 नहीं जा रहा मतलब कमी फॉल्ट है गाड़ी, कभी जीवन में कभी ये सुबह के टाइम में स्टार्टिंग में दिक्कत करेगी। ये देखो 10 भी नहीं जा रहा, मुड़ जा रहा है लेकिन नहीं जा रहा, 0.10 है। अब लेता हूँ मैं 8 का, ठीक है जी 8, ये देखो
अबे भाई आठ भी फूल जा रहा है, टेढ़ा होने को तैयार है लेकिन जाने को तैयार नहीं है। अब लेता हूँ मैं छः का, देखो छः जा रहा है कि नहीं। भाई साहब गाड़ी जीवन में कभी पिकअप नहीं लेगी, छः भी नहीं जा रहा है, देखो कहाँ से पिकअप लेगी यार, ये गाड़ी मतलब ही नहीं है जो पिकअप ले ले, मतलब ही नहीं है जो पिकअप ले ले भाई साहब। अरे ऐसे एक के साथ में नहीं है, तीनों के साथ में। हाँ हमने जो है ना सुबह ट्राई लेके सर को हमने दो तीन चीज़ें खोल के हमने चेक चेक कर ली, स्कैनर मैंने फाइनल डाउट था टाइप का, हमको खोलो जाना देखते हैं, खोला फोल्ट यही निकला। एक घंटा पहले ऊपर भागी नहीं हाईवे पे, 80 से ऊपर गाड़ी भाग नहीं, एक घंटे पहले। अभी मैं ठंडा करके तब टाइपिड मिला रहा हूँ, टाइपिड भी कभी ठंडा करके ही मिलाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम टाइपिड को इसको मिलाते हैं, घुमाओ घुमाओ और घुमाओ बस। एक ये भी फॉल्ट है, थोड़ा सा इसको भी चेक करा दें क्या, ये देखो इसमें तो फॉल्ट, ये देखो 15 जा रहा है ना इसमें, 15 का गेज बिल्कुल 0-0 जा रहा है ना, 15 ठीक है ना, 15। अब देखो इधर 15 इधर जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल ये घुसने को तैयार नहीं है। 13 बिल्कुल ये भी जाने को तैयार नहीं है, 13 10 भैया कहाँ है भाई, ये तो बिल्कुल ही जाने को कोई भी तैयार ही नहीं है, 10 भी नहीं है बिल्कुल, कहाँ गाड़ी चलेगी यार इस पे। अच्छा है ना ये, ये है 8 0.0, मुड़ने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं, 6 भाई साहब 6 भी नहीं है, कहाँ से गाड़ी चलेगी यार, बिल्कुल ही मतलब नहीं है जो गाड़ी चल जाए। 10 का फ्लैट लेके आओ, अब मिलाएं सबसे पहले इसको सही करें। तो वो ये कहने का मतलब यही है कि ये एजेंसी में भी अगर गाड़ी गई है तो वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो भी इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए हैं कि इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ है। सीधा सेल मारा, गेयर डाला, चलाई, बोल दिया कि हाँ भाई इसमें क्लच की प्रॉब्लम, 10-12 हज़ार का मेरा खर्चा बता दिया, क्लच की प्रॉब्लम इसमें नहीं निकली, मेन फॉल्ट इसका टैपिट का था, क्लच से क्लच खाली डाउन है बस, ये स्लिप नहीं कर रहा है क्लच से। तो इंजन जब पावर बनाएगा तभी ना क्लच का बात आएगा, जब पावर ही नहीं बना रहा है इंजन खुद ही, क्लच की कहाँ से, क्लच तो बाद की बात है। एक नंबर से मिलाएंगे, ठीक है। चलो ये तो ओके है, चलो घुमाओ हाँ घुमाओ बस, रुक लो चलो घुमाओ। टैपिट हो गया, एक बार टैपिट को ऐसे ही रख के, कैसे रख के, ऐसे ही रख के स्टार्ट मार के देखेंगे बिना कुछ टाइट किए हुए कि क्या आवाज़ की क्या कंडीशन है, ठीक है जी। तुम स्पार्क प्लग पहले कसना भाई सुशील, चलो ऐसे रख लो, अभी टाइट मत करना इसे, हम एक बार स्टार्ट करके देखेंगे क्या स्टार्ट करो, अगर वहाँ मिलता है रुक जाओ बंद करो, पानी की बोतल लेके वो चेंज करा देंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ सारी चीज वही खराब, चले शर्ट अभी गाड़ी स्टार्ट है, काम हो चुका है इसका, टैपिट मिला दिए, एयर फिल्टर इसका क्लीन करके लगा देंगे, अरे को इसका एयर फिल्टर है क्लीन है, और इसे लगा करके रोड टेस्ट करेंगे। अब गाड़ी का इंजन का आवाज़ साउंड अच्छा है, बेल्ट जो आवाज़ कर रही थी वो भी टाइट करवा दी है,
इंजन की आवाज़ सुन सकते हो एकदम फर्स्ट क्लास है। लगा दो अभी सीएनजी पे एक और पेट्रोल करेंगे। अब सीएनजी पे चल रही है बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है। गाड़ी कहीं भाग तो नहीं रही, एक भाग रही है ना टिकट की साइड, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बॉडी रोल ज़्यादा है ले देख रहे नहीं चला के देख ली थोड़ा स्मूथ हो गई गाड़ी। चलाना चाहते हो तो आप चला ना, गाड़ी जो है ना मतलब उठने को तैयार हो गई गाड़ी, और ये एक्सीलेशन जो पकड़ने लगती है ना गाड़ी, अभी सीएनजी पे मैं चला रहा हूँ। हाँ देखो एक बार चला के, जब एक्सीलेशन पकड़ने लगती है ना वही मजा होता है। हाँ अभी अभी क्या कुछ फर्क पड़ा है इसमें? हाँ पहले से काफी फर्क पड़ा। अरे अभी और पड़ेगा ही, क्योंकि जैसे 100-200 किलोमीटर चल गई ना गाड़ी तो वाल बिल्कुल सेट हो जाएगा। अभी तो वाल टैपिड जाम थे, वालों में जंग आ जाते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा गाड़ी चलाएंगे ना, ये 100-150-200 किलोमीटर के बाद से रिकवर हो जाएगा पूरा पिकअप आना। अभी क्या है एक्सीलेटर रिस्पॉन्स करने लगा। अभी मैं पहले चलाया था ना तो एक्सीलेटर छोड़ रही थी, मतलब हाँ अभी क्या थोड़ा खुल के अब चल रही है। अभी तो अभी कितना किलोमीटर चला है, 2-4 किलोमीटर ही चला है अभी, 50-100 किलोमीटर चला हो देखो कैसे गाड़ी बिल्कुल बम बोल जा रही है। तीसरी में 60 में कभी मैं समझ गया भैया ये चौथा और पांचवा तो अभी जान लेते का। हाँ नहीं तो 40 से ऊपर ना जा रही थी, 40-50 कहता रहा हूँ हाईवे पर 80 से ऊपर जाएंगी। हाँ नहीं वैसे भी चलाया था तो कहाँ 40-50 से ऊपर जा रही थी, अभी 60 पे जब तीसरे गियर में गया तब मैं समझ गया भाई सेट है मामला। हाँ